दिस न्यूज इज ब्रॉट टू यू बाय डीडीएम मेडिकोज दौलतपुर चौक ऊना। 1972 से डीएवी कॉलेज और 2006 से राजकीय महाविद्यालय के नाम से शिक्षा की लो जगा रहे दौलतपुर चौक कॉलेज का नाम एक बार फिर से गौरवमय पल महसूस करने जा रहा है। इस कॉलेज के परिसर में डीकमीशन्ड T-55 टैंक आन वान शान बनेगा। राजकीय महाविद्यालय दौलतपुर चौक के परिसर में T-55 टैंक लगाने के लिए मास्टर जनरल सस्टेनेंस ब्रांच सेना भवन दिल्ली से सैद्धांतिक मंजूरी मिल गई है और शीघ्र ही जीसी दौलतपुर चौक को T-55 टैंक मिल जाएगा। जीसी दौलतपुर चौक हिमाचल प्रदेश में एक ऐसा कॉलेज बनने जा रहा है जहां T-55 टैंक भारतीय सेना की वीरगाथा को बताएगा। राजकीय महाविद्यालय दौलतपुर चौक जिला ऊना के लिए आज एक बहुत बड़ा गौरव का विषय है, क्योंकि हमें मास्टर जनरल सस्टेन ब्रांच सेना भवन न्यू दिल्ली से T-55 टैंक, डीकमीशन टैंक जो अर्जुन टैंक के नाम से जाना जाता है, उसकी सिद्धांतिक मंजूरी हमें मिली है। इसके लिए मैं हमारी राज्य सरकार की तरफ से भी आभार प्रकट करता हूं, क्योंकि इसके लिए जो सफल प्रयास थे और कोशिशें जो थी वो हमने हमारे उच्च शिक्षा निदेशक डॉक्टर अमरजीत शर्मा जी और हमारे जिला के उपायुक्त श्री राघव शर्मा जी के द्वारा जो मंजूरी दी गई थी, उसके बाद हमारे पूर्व प्राचार्य डॉक्टर आरके शर्मा जी और उनके सहयोगी डॉक्टर चंदन भारद्वाज जी के सहयोग से सेना के लिए एक प्रार्थना पत्र हमने दिया था। उस प्रार्थना पत्र से हमें T-55 टैंक की मंजूरी जो है वो आज मिल चुकी है। इसके लिए मैं सभी देशवासियों से की तरफ से और हिमाचल प्रदेश के सभी जन की तरफ से बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। और दूसरा, मैं आज इस खुशी के पल में आप सभी की बातों को साझा करना चाहूंगा कि इस डीकमीशन टैंक के और ये वॉर मेमोरियल ट्रॉफी के रूप में जब यहां पर महाविद्यालय में स्थित होगा तो इससे हमारे बच्चों को एक बहुत बड़ा गौरव महसूस होगा, मार्गदर्शन मिलेगा और एक इस तरह का उनको एक वातावरण मिलेगा कि वो सेना में जाने से पहले यहां नमन करके जाएंगे और उच्च शिखर तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। और इसके साथ साथ क्योंकि हिमाचल प्रदेश एक वीर भूमि है और इस वीर भूमि में हमें बड़े गर्व से हम लोग ये कहते हैं कि हमारे परमवीर चक्र विजेता सबसे पहले भारत में हिमाचल प्रदेश के मेजर सोमनाथ शर्मा जी हुए। इस हिमाचल प्रदेश के कैप्टन विक्रम बत्रा जी, संजय कुमार जी, जिनको परमवीर चक्र मिले हैं और बहुत से ऐसे शौर्य सेना से मिला है, उनके आशीर्वाद से जो आज ये टैंक यहां पर विस्थापित होगा ये हम सब के लिए प्रेरणा का स्रोत होगा। मैं इसके लिए अपने विद्यार्थियों को शुभकामनाएं देता हूं और हमारे जिला के जितने भी सैनिक उच्च ओहदे में रहे हैं और उनको जो भी शौर्य मिला है उनकी तरफ से एक बहुत बड़ा मैं आर्मी के लिए धन्यवाद भी दूंगा। और क्योंकि उन्होंने हमारे लिए एक बहुत बड़ा गौरव, हमारे लिए हमारे माथे में एक बहुत बड़ी जो सम्मान का चिन्ह है वो दिया है कि ऐसा डीकमीशन टैंक यदि हमारे महाविद्यालय में स्थित होता है तो इससे बहुत से लोगों को प्रेरणा मिलेगी। और मैं इस सफल प्रयास से सभी का धन्यवाद करता हूं और विशेष तौर पर हमारे प्रदेश सरकार जिनके सहयोग से, हमारे उच्च शिक्षा निदेशक के सहयोग से, जिला उपायुक्त के निर्देशन से जो हमें ये प्रयास हमारा सफल हुआ है, इस सबके प्रयास से मैं सबको धन्यवाद दूंगा और मुबारकबाद दूंगा कि जिस दिन ये टैंक हमारे पर होगा हमारे लिए, हमारे हिमाचल प्रदेश के लिए एक बहुत बड़ा गौरव हमारे महाविद्यालय में स्थापित होगा। इसके लिए मैं सभी का धन्यवाद करता हूँ। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए दौलतपुर चौक से एक एक कालिया की रिपोर्ट। अब डीडीएम मेडिकोज से सस्ते दामों पर खरीदे दवाइयाँ। नगर पंचायत दौलतपुर चौक के बस स्टैंड पर खोला मेडिकल स्टोर। नगर पंचायत दौलतपुर चौक के बस स्टैंड में डीडीएम मेडिकोज के नाम से नया मेडिकल स्टोर खुल गया है, जिससे अब मरीजों को अपनी ब्रांडेड दवाइयाँ लेने हेतु दूर दराज के क्षेत्र में नहीं जाना पड़ेगा। बी फार्मेसी के क्षेत्र में बेहतर कार्य कर रहे डीडीएम संस्थान ने अब दवाइयों के रिटेल व्यवसाय में उतरकर जनता को बेहतर तोहफा दिया है। डीडीएम मेडिकोज के संचालक आशीष शर्मा ने बताया
क्योंकि उनके मेडिकल स्टोर में ब्रांडेड दवाइयां उपलब्ध हैं और ग्राहक बाजार से सस्ते दाम पर दवाइयां खरीद सकते हैं। उन्होंने बताया कि उनके स्टोर में अंग्रेजी एवं देसी दवाइयों के अलावा पशुओं की दवाइयां भी उपलब्ध हैं, जिसके लिए ग्राहक नगर पंचायत दौलतपुर चौक के बस स्टैंड में पहुंचकर संपर्क कर सकते हैं। संपर्क करने के लिए डायल करें 8219396612।